ये भगवान की अद्भुत रचना है, देखिए कितनी सुंदर सुंदर, इतनी सुंदर रचनाएं आपको देवभूमि में ही देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पर देखिए पूरा फॉगी हो रहा है और नीचे से फॉग ऊपर आ रही है। जय माँ गंगे, हर हर गंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओगी एक्सपर्ट। मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू ओगी एक्सपर्ट। देवभूमि में आपका स्वागत है। सुबह के 6:30 बजे हैं। अभी थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो रहा है क्योंकि रात भर से बारिश हो रही है। हम लोग पिछले एक वीक से अपना ट्रिप पेंडिंग था हमारा, क्योंकि हमें जाना था शिमला, लेकिन लास्ट वीक बहुत सारी ऐसी न्यूज़ आ रही थी और आप लोग भी सुन रहे थे कि हिमाचल में जो बाढ़ आ रही थी, तो इसलिए हमने सोचा कि थोड़ा सा रुक जाते हैं, जब सब कुछ स्टेबल हो जाएगा तब जाएंगे। और अभी हमने, क्योंकि जैसा कि इन्फॉर्मेशन ली वहाँ से, बात की सबसे, तो पता चला कि अभी हाईवे वगैरह सब खुल गए हैं, रोड्स ओके हैं, आप जा सकते हो। घर में भी कब तक बैठना है, तो इसीलिए हम जा रहे हैं। और साथ ही क्योंकि हमें लगा बहुत सारे लोग हमारी तरह ही ऐसे होंगे जो अपने ट्रिप्स पेंडिंग रख रहे होंगे, तो उनके लिए एक अपडेट भी हो जाएगा, रास्ते किस तरह के हैं, किस तरह के रोड्स हमको मिलेंगे, वो भी आपको हम ज़रूर अपडेट देंगे। तो चलिए चलते हैं। हम पहुंच गए हैं पोंटा साहिब और सीरियसली यहाँ आगे थोड़ी सी बारिश कम हुई है। मौसम तो बहुत सुहाना हो रहा है क्योंकि ये बारिश का मौसम, मतलब मजेदार मौसम, घूमने का मौसम। और वैसे ज़्यादा डरने वाली बात यही है क्योंकि जो हिमाचल के जो हमने न्यूज़ सुने थे, वो ज़्यादातर ख़राब हालत जो है वो मनाली की तरफ ज़्यादा था, कुल्लू और मनाली में जो सब हुआ। लेकिन हम वहाँ नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं शोभी शिमला की तरफ। तो वहाँ हमने चेक कर लिया है, सब कुछ सेफ है। देखिए रास्ते कितने सुंदर हैं। वाओ, देखिए फाइनली हम लोग बिना बारिश के कहीं हमें ऐसी जगह मिल गई जहाँ बारिश नहीं हो रही है। और लेकिन देखिए कितना प्यारा वेदर हो रहा है यहाँ पर। पूरे रास्ते क्योंकि पीछे से बारिश थी, हम कहीं उतर ही नहीं पाए, इसीलिए गाड़ी में से ही शूट कर रहे थे। यहाँ पर देखिए पूरा फॉगी हो रहा है और नीचे से फॉग ऊपर आ रही है। पूरे रास्ते बीच बीच में इतने प्यारे प्यारे झरने हमें मिले हैं, हम कैप्चर नहीं कर पाए क्योंकि गाड़ी हम बहुत स्पीड से निकाल रहे थे, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं जितना जल्दी हम डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएं। लेकिन सच में आगे कोई मिलेगा तो ज़रूर शूट करेंगे उसको भी। नाहन के बाद अब हम पहुंच गए हैं काहन में। यहाँ बड़े सुंदर सुंदर ना दो टेंपल्स हैं पास पास पे। हम जब भी यहाँ से निकलते हैं कोशिश करते हैं कि यहाँ पर ज़रूर दर्शन करके जाएं।
और बहुत सुंदर लोकेशन है ये। अभी तो पूरा फॉगी फॉगी हो रहा है इसलिए आपको कुछ नहीं दिखेगा, बट अदरवाइज जब पूरा क्लियर विजन होता है तो आपको दूर दूर तक बहुत सुंदर माउंटेन्स दिखते हैं। आज हमने अपनी जर्नी सुबह 6:30 बजे शुरू की थी और क्योंकि पूरे रास्ते हमने बताया आपको बारिश ही बारिश थी, हम चले हैं अपनी बलेरो नियो लेकर। रास्तों का इसलिए भी हमें थोड़ा पता नहीं चला क्योंकि ये इस तरह के ख़राब रास्तों के लिए मुझे लगता है एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, इसीलिए हम किया सोनेट नहीं लेकर आए। तो आगे भी अभी तक तो हमें कोई बहुत ज़्यादा ख़राब रास्ता नहीं मिला, बीच में कुछ एक दो पैचेस ऐसे थे जहाँ पर कुछ पत्थर गिरे हुए थे लेकिन रास्ता वहाँ पर था। तो आगे क्या मिलता है हमें आपको दिखाएंगे, चलिए। जय बजरंगबली, एक ही जगह देखिए आपको सारे भगवान जी के दर्शन हो जाते हैं। पंख देखिए बिल्कुल ऐसे लग रहा है स्नेक जैसे और दोनों तरफ फेस आपको दिखेगा। ये भगवान की अद्भुत रचना है, देखिए कितनी सुंदर सुंदर, इतनी सुंदर रचनाएं आपको देवभूमि में ही देखने को मिल सकती हैं। कुमारहट्टी शुरू हो गया है और रास्ता हमें पहले भी बताया था किसी ने कि कुमारहट्टी में आपको ख़राब मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे कि कुछ कंस्ट्रक्शन भी चल रही है ऊपर, इसी वजह से पूरा मलबा नीचे भी आ रहा है। देखिए हम इतनी दूर से चलते हुए आ रहे हैं और हमने रास्ते में भी देखा कि जहाँ जहाँ ये कंस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रही है वहाँ पर कह सकते हैं कि प्रकृति से छेड़छाड़ ज़्यादा हो रही है, वहाँ पर ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिल रही हैं, लैंडस्लाइड और रास्ते जो ख़राब है। तो देखिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, पेड़ बचाएं और कंस्ट्रक्शन जितना हो सके, इस तरह की कंक्रीट कंस्ट्रक्शन तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए ऐसे सेंसिटिव पहाड़ों पर। यहाँ से अब हम मेन शिमला हाईवे पर एंटर करने वाले हैं। यहाँ तो सड़कें सूखी लग रही हैं, मुझे नहीं लग रहा यहाँ सुबह बारिश हुई है। अमेजिंग, हम शिमला बस पहुंचने वाले हैं। जैसे जैसे पास जाते जा रहे हैं वेदर देखो, सब कुछ बादलों में ढक गया। इस वेदर को एंजॉय करना है तो थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, बरसातों में ही मिलता है ये वेदर। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं अपनी डेस्टिनेशन पर, देहरादून से शोगी हम आए हैं 5.5 घंटे में। देखिए किस लोकेशन पर हम यहाँ आज रह रहे हैं, पहले आप लोकेशन देखिए, बाकी हम आसपास क्या जगह है यहाँ पर घूमने की वो तो हम आपको दिखाएंगे ही, रहने का जो ऑप्शन है वो किस तरह का है वो भी दिखाएंगे आपको। पहले लंच कर लेते हैं और फिर चलते हैं। गर्मा गर्म हमारा लंच रेडी है, खुशबूदार लंच, येलो दाल, शाही पनीर, रायता, राइस, चपाती, देखिए बहुत सुंदर सुंदर गोल गोल, और साथ में बटर। इनको पता है हमें बटर पसंद है। हाँ जल्दी से हम लंच कर लेते हैं और उसके बाद, क्योंकि हमें अभी इन्होंने बताया है कि यहाँ पर बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्राचीन हनुमान जी का मंदिर है और आज किस्मत की बात है मंगलवार है आज हम सुबह, क्योंकि सिर्फ घर में पूजा करके ही आए हैं, जनरली हम हर ट्यूज़डे मंदिर भी जाते हैं तो हमें यहाँ मंदिर मिल गया है। हम जल्दी से दर्शन करके आते हैं और उसके बाद तारा देवी टेम्पल भी यहाँ पास में ही है,
बहुत सारी और भी चीजें हैं, आपको सारी चीजें दिखाएंगे। तो यहाँ से जस्ट हमें 3.5 किलोमीटर नीचे जाना है और वहां पर है हनुमान जी का मंदिर। हम आ गए हैं खुशाला हनुमान मंदिर में, जस्ट 3.5-4 किलोमीटर ही है दूरी जैसा कि हमें बताया गया था। शेफ हमारे साथ आए हैं वहाँ से क्योंकि ताकि हम भटके नहीं बीच में, और शेफ ने हमें कहानी भी बताई है। जैसा कि हमें पता ही है कि जाखू टेंपल, तो हम सबको पता है कि वहाँ पर एक पैर रखा था बजरंग बली ने जब वो संजीवनी बूटी लेकर आ रहे थे, तो ऐसा कहा जाता है कि दूसरा पैर यहाँ रखा था या पहला यहाँ रखा था, एक पाँव यहाँ और एक पाँव, क्योंकि जाखू टेंपल ऊँचाई पर है, एक पाँव वहाँ। तो हम दर्शन करते हैं, चलिए। बहुत सुंदर इन्होंने बताया, हमें पता नहीं था। यह मंदिर 300 वर्ष से भी पुराना है। हम ये मौका कभी छोड़ते नहीं है। देखो, हम उस दिन हम चकराता गए थे, वहाँ से हम लेके आए, और आज हमें 80 रुपये किलो हिमाचल में मिल गए, तो हिमाचल से अब उत्तराखंड जाएंगे टमाटर आपके। तो यहाँ पर 80 रुपये किलो मिल रहे हैं, वहाँ ओपन मार्केट में तो 200 है, हम पल्टन बाजार से लेके आए थे 120। रोज बदलते। हम आ गए हैं तारा देवी टेम्पल, और ये लगभग 7200 फीट की ऊंचाई पर है। आप देख सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ से चढ़ के आना पड़ता है, सीढ़ियाँ भी हैं और प्लेन सरफेस भी है, और यहाँ काफ़ी सारे लंगूर भी हैं। जय माता दी। पब्लिक कन्वीनियंस भी है, इतने सुंदर फूल हैं यहाँ पर साइड में, नेचुरल। Thank you.
बहुत अच्छा लगा हमें बजरंगबली के दर्शन करके, माता रानी के दर्शन करके। इस तरह की और भी बहुत सारी जगह है जो हम अगले वीडियो में भी आपको दिखाएंगे। साथ ही जिस जगह पर हम रुके हुए हैं वो उनकी अपनी खुद की गाड़ी है, ड्राइवर आपको देते हैं, पूरा पैकेज देते हैं जिसमें ये बहुत सारी जगह उन्होंने इंक्लूड की हुई है, कस्टमाइज पैकेज भी है उनके पास। तो उसके लिए आपको दूसरा वीडियो देखना पड़ेगा जिसमें हम सारी डिटेल देंगे आपको। देहरादून से शोगी तक के लिए, इवन शिमला तक भी अगर हम बात करें तो रोड्स बिल्कुल ठीक हैं, बहुत ज़्यादा कहीं हमें ऐसी एसच कोई ख़राब रोड्स नहीं मिले, कोई ब्लॉकेज नहीं था। छोटे मोटे पैचेस वो मानसून में होते ही हैं लेकिन क्लियर होते रहते हैं, तो आप यहाँ तक घूमने आ सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए अपडेट्स तो आपको मिलते ही रहते हैं न्यूज़ में भी, यूट्यूब्स पर भी, लेकिन अभी जब हमने ये विज़िट की है तब हमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं मिली है। ऑप्शन भी हमने आपको जो दिखाया है पूरी डिटेल हम आने वाली वीडियो में देंगे आपको, लेकिन काफ़ी बजट में है ऑप्शन, किस तरह का है वो आपको पता चल जाएगा। और इसी तरह की जानकारियाँ लेते रहने के लिए आपको वीडियोस लगातार देखते रहना ज़रूरी है। उसके लिए जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लें और ट्रैवल करते रहें ओटी एक्सपर्ट सपना के साथ। हमारा दूसरा चैनल देखना ना भूलें, वर्ल्ड ऑफ व्हील्स, उसे भी सपोर्ट कीजिए। जय माँ गंगे हर हर गंगे, जय माँ गंगे हर हर गंगे। हेलो एवरीवन।